आई एम ज्योति। लास्ट वीडियोस में हमने बात करी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मीन सिंपल फ्यूचर टेंस। मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करूंगी। आज मैं फर्स्ट पार्ट के बारे में बताऊंगी, जिसमें मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगी, व्हेन टू यूज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस, जिसमें मैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड WH फैमिली 3 सेंटेंसेस के बारे में फुल डिटेल में आपको बताऊंगी और कैसे सेंटेंस फॉर्म करते हैं ये भी बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड पार्ट इसका बताऊंगी, जिसमें मैं स्टार्ट करूंगी एक्सेप्शंस के साथ, कुछ कॉमन मिस्टेक्स और आपसे सॉल्व करवाऊंगी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक कंटेंट में डाउट है या किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर क्लिक कीजिए उसी टॉपिक पर, उसी कंटेंट पर, और आपके सामने एक वीडियो ओपन हो जाएगी उस पर क्लिक करते ही। तो लेट्स स्टार्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल फ्यूचर टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? इसके सेंटेंसेस के लास्ट में गा, गी, गे आदि लगा होता है। लेट्स सी द एग्जांपल्स। मैं यह काम करूंगा। गा मींस ये फ्यूचर को शो करता है। जो गा वर्ड होता है वो फ्यूचर शो करता है कि हमने कोई काम फ्यूचर में करने का सोचा है। आई विल डू दिस वर्क, और इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव, सब में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, विल हमेशा शुरू से इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है इसमें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। इसमें सेकेंड फॉर्म का कोई भी चक्कर नहीं है बदलने का, या फिर एस या ईएस जैसे प्रेजेंट और पास्ट में था, बहुत ही सिंपल इसका फॉर्मेशन होता है। हम कल हॉकी खेलेंगे। वी विल प्ले हॉकी टुमारो, कल के लिए यूज होगा टुमारो, क्योंकि ये आने वाला कल है, फ्यूचर। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज करवाया था मैंने कल के लिए? यस्टरडे, क्योंकि वो बीता हुआ कल था। नाउ व्हेन टू यूज सिंपल फ्यूचर टेंस। नंबर वन, प्रेडिक्शन। एक्सपर्ट से गोल्ड प्राइस विल राइज दिस ईयर, विल राइज दिस ईयर। तो इसमें क्या कह रहा है? प्रिडिक्ट कर रहा है, भविष्यवाणी करना किसी भी चीज की। तो जब भी हम किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करते हैं, उसकी भविष्यवाणी करते हैं, तो हमेशा हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग में भी, कि इस साल चांसेस हैं बारिश ज्यादा होगी, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कल का मौसम कैसा रहेगा, सनी होगा या रेनी होगा। इस टाइप से हम प्रिडिक्ट जब भी करते हैं तो उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करते हैं, यानी विल उसमें आता है। नेक्स्ट, प्रॉमिसिंग। प्रॉमिसिंग, सपोज करिए आपको ने किसी से कोई बुक ली, आपको उसमें से पढ़ना है और आपके पास वो बुक नहीं है, लेकिन आपको कुछ ही टाइम के लिए टेम्पररी चाहिए कि आप 2 या 3 डेज में से उसमें से जो आपका मैटर आपको यूज करना है या आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप उस बस आपको उतने दिन के लिए ही चाहिए, आप पूरा कवर कर लोगे। तो आपने अपने फ्रेंड से कहा, आई नीड योर बुक, कैन यू गिव मी फॉर 2 or 3 days, तो उसने कहा श्योर यू कैन टेक, तुम ले सकते हो। तो आप उससे क्या करोगे? प्रॉमिसिंग, आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो, या फिर आई विल रिटर्न योर बुक आफ्टर 2 days, आफ्टर 3 days, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो आप ये क्या कर रहे हो? उसे प्रॉमिस कर रहे हो कि आई विल रिटर्न योर बुक, कि मैं तुम्हारी बुक लौटा दूंगा, उससे एक तरह से प्रॉमिस कर रहे हो। एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। सपोज करिए आप कोई भी चैप्टर आपने लर्न नहीं किया और टीचर आपको पनिशमेंट दे रही है, तो आप बचने के लिए क्या कहते हो कि सॉरी मैम, प्लीज सॉरी मैम, हाँ मैं भूल गया था, इस तरह से। आई प्रॉमिस आई विल लर्न दिस चैप्टर, आई प्रॉमिस टूडे आई विल लर्न दिस चैप्टर, इस टाइप से आप कहते हो। तो आप उसमें क्या कर रहे हो? प्रॉमिस कर रहे हो। नंबर 3, ऑप्टिमिस्टिक। सबसे पहले ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। 2 types के पर्सन हम लोग बोलते हैं, या 2 types से हम लोग सेंटेंसेस में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी और पैसिमिस्टिक निराशावादी। आशावादी मीन्स पॉजिटिव, जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, एंड पैसिमिस्टिक मीन्स निराशावादी, मीन्स जो किसी भी चीज को लेके सबसे पहले नेगेटिव जल्दी सोचते हैं। जैसे सपोज करिए
कुछ भी किसी का आपका कोई फ्रेंड है, उसका कोई भी एक्सीडेंट हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, आप उसको देखने जाओगे तो आप क्या उससे क्या कहोगे? डोंट वरी, यू विल बी फाइन वेरी सून. इसी टाइप से करते हम किसी को कंसोल करना, ठीक है? या फिर किसी की कोई भी कंडीशन है वो खराब आ गई किसी भी वजह से, तो आप क्या कहोगे? हैव पेशेंस, एवरीथिंग विल बी फाइन. पेशेंस रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा. तो इस टाइप से जो सेंटेंस में हमारे पॉजिटिविटी होती है कि हम किसी को पॉजिटिव एडवाइस कर रहे हैं या कंसोल कर रहे हैं, उसमें हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिटी यूज करते हैं. नेक्स्ट होता है डिसीजन. अच्छा, फिर डिसीजन मेकिंग मतलब खुद से कोई डिसीजन लेना, ठीक है? आई विल फिनिश माई वर्क टूडे, मुझे अपना वर्क आज ही सपोज फिनिश करना है, तो मैंने खुद से अपना डिसीजन लिया नहीं, चाहे कुछ भी हो. आई विल फिनिश माई वर्क टूडे, मैं अपना वर्क जो है आज ही कंप्लीट करूंगी. बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ मैं ये बोल रही हूँ, बहुत ही डिटर्मिनेशन, जिसमें छुपा होता है डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन कह सकते हैं, डिसीजन कह सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है जिसे हम डिटर्मिनेशन कहते हैं. उस टाइप के सेंटेंसेस में भी हम विल का यूज करते हैं, यानी फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज करते हैं. नेक्स्ट प्लैंड. अच्छा, प्लैंड क्या होता है? जिसमें हम प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के बारे में कि परसों मैं ये काम करूंगा, या फिर प्लान, जो चीजें हम प्लान करके ही उसको फॉलो कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, द डॉक्टर विल सी यू एट 2. आपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है 2 o'clock का, तो आपको 2 o'clock ही हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा. तो ऐसी चीजें क्या होती है, प्लान्ड होती है कि डॉक्टर ने आपको 2 o'clock का अपॉइंटमेंट दिया है, आज का, कल का, व्हाटएवर जो भी हो, तो डॉक्टर विल सी यू एट 2. या फिर कोई भी आपके, मैं सपोज करिए स्कूल में या कॉलेज में कोई भी कंपटीशन है, बिकॉज इट इज हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट दिस टीम इज ऑर्गेनाइजिंग दिस कंपटीशन एंड इट विल बी, इसके बाद आता है इट विल बी हेल्ड ऑन दिस डेट, यानी पहले से आपने प्लान कर लिया, तो सारे स्टूडेंट्स को उसी डेट पर आना पड़ेगा, ठीक है? इस तरह से हम लोग यूज करते हैं प्लैंड सेंटेंसेस के लिए, जिसके लिए हमने पहले से प्लानिंग, या कोई मीटिंग है ऑफिस में, तो द मीटिंग विल बी हेल्ड एट 3 o'clock टुमारो, कल होगी 3 o'clock. तो उसका मतलब क्या है, जितनी भी मीटिंग में एम्प्लॉयज जिनको भी जाना है उनको शार्पली इतने बजे पहुंचना पड़ेगा. इस टाइप से प्लैंड सेंटेंसेस में प्लानिंग इसमें करते हैं, उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट को हम यूज करते हैं. नेक्स्ट आते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस. अच्छा, सबसे पहले मैं बताऊंगी कंडीशनल सेंटेंस. कंडीशनल सेंटेंसेस मतलब जिसमें हमारी 2 एक्टिविटी लगी होती है सबसे पहली बार, और 1 एक्टिविटी सेकेंड एक्टिविटी पर डिपेंड करती है. मतलब अगर वो फर्स्ट एक्टिविटी नहीं होगी तो सेकेंड एक्टिविटी होने का कोई मतलब ही नहीं है. वो फर्स्ट, सपोज सेकेंड एक्टिविटी फर्स्ट एक्टिविटी पर आपकी डिपेंड करती है. कैसे? लेट्स सी द एग्जांपल. इफ आई रीच दिल्ली आई विल कॉल यू. अगर मैं दिल्ली जाती हूं तो मैं कॉल करूंगी. अगर मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी तो कॉल करने का सवाल ही नहीं उठता ना. तो एक एक्टिविटी किस पर डिपेंड होगी? पहले मैं दिल्ली जाऊंगी तभी मैं कॉल करूंगी ना. घर में रहूंगी तो किसको कॉल करूंगी, ठीक है? मैं सपोज करिए मुझे दिल्ली जाना है, मैं अपने पेरेंट्स से या किसी फैमिली मेंबर से कह रही हूँ, ठीक है? ऐसे कहते हैं ना, डोंट वरी, मैं पहुंचते ही कॉल कर दूंगी, हमको चिंता हो जाएगी, बोलते हैं हमको टेंशन, बेटा पहुंचते ही कॉल करना. यस यस यस, डेफिनेटली आई विल कॉल यू. इफ आई रीच दिल्ली आई विल कॉल यू. दिल्ली पहुंचते ही मैं आप, या फिर एज सून एज आई रीच दिल्ली आई विल कॉल यू. इसकी जगह हम एज सून एज ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये भी कंडीशन शो करते हैं, एज सून एज आई रीच, जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचती, या फिर व्हेन आई रीच दिल्ली, जब मैं दिल्ली पहुंचूंगी मैं आपको कॉल कर दूंगी. अच्छा, आपने इसमें एक चीज नोटिस की, मैं आपको हिंदी में कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, व्हेन आई, मैं जब भी दिल्ली पहुंचूंगी, मतलब मैं दोनों ही फ्यूचर लगा रही हूँ, मैं कॉल करूंगी आपको, ठीक है? लेकिन इसमें मैंने यहाँ तो फ्यूचर टेंस यूज किया है, आई विल कॉल यू, लेकिन इधर हमने फ्यूचर टेंस मैंने यूज नहीं किया है. कभी भी जो कंडीशनल सेंटेंसेस जहां पर कंडीशन लगी होती है, इफ, व्हेन, एज सून एज, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसमें हम कभी भी फ्यूचर टेंस मतलब विल का यूज नहीं करते, कभी नहीं लगाते. उसके सेकंड जो कंडीशन होती है उसमें हम लोग विल का यूज करते हैं. अगर आप ये लिखोगे इधर, इफ आई विल रीच, नो, कंप्लीटली रॉन्ग. आप इस सेंटेंसेस को यहां भी ऐसे भी लिख सकते हो, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच दिल्ली. ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता. ये सेंटेंस इधर आ जाए और ये वाला इधर चला जाए तो भी
ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट में नहीं लगाएंगे, विल सेकंड में ही लगाएंगे, इस तरह से नहीं। जहां पर कंडीशन आपकी लगी, यानी इफ इधर लग गया तो ये वाला कंडीशनल सेंटेंस हो गया, इसमें हम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करना पड़ता है। हम लोग इसमें फ्यूचर नहीं लगा सकते, दोनों सेंटेंस में फ्यूचर नहीं लगता, एक में प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी किसमें लगता है, जिसमें आपकी कंडीशन लगी होती है। मैं अगर इस सेंटेंस को सबसे पहले लिख दूं आई विल कॉल यू, तब भी फ्यूचर का मैं इधर ही यूज करूंगी। ऐसा नहीं है आई कॉल यू इफ आई विल रीच दिल्ली, कंप्लीटली रॉन्ग। ऑर्डर डजंट मैटर, बट व्हाट मैटर्स इज अ कंडीशनल सेंटेंस मैटर। ठीक है, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। जब भी हम दो कंडीशनल सेंटेंस यूज करते हैं उसमें हमारी दो एक्टिविटीज आ गई, तो जहां कंडीशन लगी होती है उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं और नेक्स्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस की, यानी सेंटेंस फॉर्मेशन इसमें कैसा होता है। इसमें सेंटेंस फॉर्म बहुत ही सिंपल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट से भी ज्यादा सिंपल इसमें होता है, बहुत ही सिंपल होता है फ्यूचर इंडेफिनिट का। सबसे पहले मैं आप बात करूंगी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। मैंने आपको पहले भी बताया था देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आर पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी जो ना तो नेगेटिव होते हैं ना उसमें कोई इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव जिसमें हम कोई क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ सीधा सीधा आंसर होता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस उसमें नहीं लग जाता है पॉजिटिव। जब भी हम किसी को नेगेटिव में कहें, नहीं करूंगा मैं काम, करूंगी नहीं नहीं, ठीक है। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव मतलब किसी से क्वेश्चन करना, ठीक है, इंटरोगेट करना, क्या तुम ये काम करोगे, ऐसे क्यों करोगे, इस टाइप से, ठीक है, आगे आता जाएगा मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आपको कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि देखिए, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पे मैंने आपको क्या बताया था, एस या यस देखना पड़ता है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में फिर वो भी नहीं था, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती थी, और अब इसमें फर्स्ट फॉर्म है, अब इसमें वर्ब की फॉर्म ही नहीं देखनी, केवल फर्स्ट फॉर्म करनी है, हमें लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। और एक चीज और डिफरेंस देखा आपने प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट से, क्या डिफरेंस है, उसमें अफर्मेटिव में हमारी हेल्पिंग वर्ब हाइट रहती थी और इसमें हेल्पिंग वर्ब शू से यूज होती है, यानी ये भी हमें देखना है, हमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। बहुत ही सिंपल फॉर्मेशन होता है विल, विल से ही पता चलता है फ्यूचर का, फ्यूचर में हमेशा विल यूज होता है। देखते हैं सेंटेंसेस, मैं उसको कल मिलूंगा, सब्जेक्ट आई, विल वहां पर लिखा है मीट, मीट इसकी मिलने की, मिलने की, और फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है फर्स्ट सेकंड एस या यस, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। हिम टुमारो, ठीक है, और टुमारो हमने यूज किया, हमने पता है था यस्टरडे पास्ट होता है और टुमारो फ्यूचर। उसके पापा कल दिल्ली से आएंगे, हिज फादर, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, हिज फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं देखना, सिंगुलर प्लूरल ये भी नहीं देखना, ना फॉर्म देखनी, कुछ भी नहीं देखना। हम आज स्कूल जाएंगे, वी विल गो टू स्कूल टूडे। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। अब तक बात कर रहे थे अफर्मेटिव की, नेगेटिव में क्या ऐड हो जाता है, नो, नहीं, ठीक है, तो नहीं के लिए हम नॉट यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर में भी हम क्या करेंगे, विल के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब हाइट तो रहती नहीं थी, तो केवल हमें नॉट यूज करना है, ऐसा तो है नहीं ये हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, जैसे डू डस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती थी, डिड पास्ट इंडेफिनिट में होती थी। मैं बार बार आपको इसलिए कंपेयर करवाती हूँ जिससे आप उसको भी रिवाइज कर सको, आपके माइंड में ये भी आ सके हाँ मैंने उसमें ये पढ़ा था, या फिर आप भूल गए तो आपको पता चल सके, इसलिए मैं कंपेयर करवा रही हूँ प्रेजेंट में क्या होता था पास्ट में क्या होता था। सेंटेंसेस देखिए, मैं उसको कल, अब नहीं यूज करते थे, ठीक है, नॉट यूज करते हैं, नहीं ऐड करते थे, नहीं मिलूंगा तो विल के बाद क्या ऐड हो जाएगा, नॉट, बस सब्जेक्ट विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है, और टुमारो मैंने आपको बताया था कल के लिए यूज होता है फ्यूचर में टुमारो। उसके पापा कल दिल्ली से आएंगे, हिज फादर, और इसमें क्या ऐड करेंगे, दिल्ली से नहीं आएंगे, नहीं, नेगेटिव बना दिया हमने,
हैं पॉजिटिव सेंटेंस को. His father यानी will के बाद भी not come from Delhi tomorrow. हम आज स्कूल जाएंगे यानी हम आज स्कूल नेगेटिव बनाना हो तो नहीं जाएंगे. We will not bus. कुछ भी नहीं है देखो. We will not verb की first form ये भी नहीं देखना. To school today. आज के लिए today use होता है. अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप से यूज कर सकते हैं, दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं ये मैंने जो लिखे हैं ये है सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इसमें हमेशा क्या से स्टार्ट होता है, मतलब हमेशा हम हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं जब भी क्वेश्चन हम पूछते हैं. एक होते हैं डबल इंटरोगेटिव जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं. WH फैमिली में आपको बता चुकी हाउ मच, हाउ मेनी, हूज, व्हिच, व्हाट, वेयर, वाई, वेन, इस टाइप से जो सेंटेंसेस हमारे स्टार्ट होते हैं यानी क्वेश्चन वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं. सबसे पहले सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं. इसका फॉर्मेशन क्या होता है, हर टेंस में एक बार सेम है. जो सिंगल इंटरोगेटिव होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब से हम स्टार्ट करते हैं. यानी इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल. प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू या डज स्टार्ट करते थे. पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड से स्टार्ट करते थे. और इसमें हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं, विल से, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब विल है. इसके बाद आता था सब्जेक्ट और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बस ये हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई. ठीक है, देखते हैं. क्या वे आम खाएंगे, सबसे पहले क्या वे आम खाएंगे. अच्छा, इनको सिंगल इंटरोगेटिव जो होते हैं वो क्या होते हैं, यस और नो टाइप सेंटेंसेस होते हैं जिनका आंसर हम यस और नो में भी देख सकते हैं. अब जैसे आपसे कोई पूछे क्या तुम आम खाओगे, आप कह दोगे हाँ यस, और नहीं खा लेंगे तो नो, इससे समझ जाओगे. ठीक है, इसलिए ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं यस एंड नो टाइप सेंटेंसेस. और हम ऐसे सेंटेंसेस को हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं. विल, इसके बाद सब्जेक्ट. दे, इसके बाद वर्ब. ईट, इसके बाद ऑब्जेक्ट. मैंगोस, सिंपल. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. क्या तुम्हारा भाई कल आएगा, विल. विल से स्टार्ट होगा क्या. ठीक है, यस और नो टाइप सेंटेंस है, आप यस भी कह सकते हो, नो भी कह सकते हो. फिर इसके बाद सब्जेक्ट, तुम्हारा भाई और ब्रदर. फिर इसके बाद क्या आती है, वर्ब. वर्ब मतलब कम. और टुमारो, विल योर ब्रदर कम टुमारो, बचा हुआ पार्ट हो गया. ठीक है, अच्छा अगर हम इसमें नेगेटिव भी यूज करते हैं यानी इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी यूज हो जाते हैं ना, हम सेंटेंस में इंटरोगेट भी करते हो, नहीं भी पूछो तुम ये काम नहीं करते हो क्या, इस टाइप से. तो देखिए क्या आएगा, क्या वे आम नहीं खाएंगे, तो नेगेटिव ऐड कर दिया मतलब नॉट ऐड होगा केवल. अब इसमें बात क्या आती है, नॉट कब ऐड होता है. अभी हमने नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे तो उसमें विल नॉट साथ में आता था, तो क्या मैं यहाँ पर ऐड कर दूं, नहीं. अभी आप दो टेंसेस अच्छे से सीख चुके हो और उन दोनों में ही मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव में अगर मैं नॉट लगाना है, चाहे कोई भी इंटरोगेटिव हो, सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, उसमें हमेशा हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे. अब तो आपको लर्न हो जाना चाहिए, ये चीज समझ आ रही होगी आई थिंक. विल, दे यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट. आप कभी भी ये मत कर देना इसके बाद नॉट मत लगा देना, ये रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, मैं यहां से हटाई देती हूँ. विल दे नॉट ईट मैंगोज, ये मिस्टेक्स बहुत होती है, मैं साथ के साथ बताती जा रही हूँ, आगे एक्सरसाइज भी करवाऊंगी. क्या तुम्हारा भाई कल, और मैंने यहां पर लगा दिया है नहीं आएगा, तो यहां पर लगाऊंगा विल नॉट, यहां पर लगा देती हूँ नो, सब्जेक्ट के बाद लगाना है ना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, इंटरोगेटिव में है ना, नेगेटिव में एक साथ रहता है. विल योर ब्रदर नॉट, बताइए कुछ भी नहीं है सेंटेंस में, कितने इजीली हमने फॉर्म कर लिए. अब देखते हैं WH फैमिली वाले सेंटेंसेस यानी डबल इंटरोगेटिव, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन वर्ड यूज होता है. और ऐसे सेंटेंसेस के फॉर्मेशन के लिए हम क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट करते हैं. देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. एक चीज आप नोटिस कीजिए, अगर हम ये हटा दें तो ये सिंगल यस और नो टाइप के सेंटेंसेस बन जाएंगे. यस और नो टाइप में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता था, इसमें बिल्कुल भी सेंटेंस फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं करना है चेंज, बहुत कुछ लर्न करने की कुछ भी जरूरत नहीं है. बस इसमें क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता था
double interrogative. ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल्स. हम कल कहां जाएंगे, तो इसमें डब्ल्यूएच फैमिली में से क्या आ रहा है, कहां, वेयर. वेयर होता है कहां का, तो वेयर. वेयर के बाद विल, और इसके बाद सब्जेक्ट वी, और इसके बाद वर्ब को ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट. ठीक है, बस यही आ रहा है. अगर यही सिंगल इंटरोगेटिव होता, यानी यस और नो टाइप सेंटेंस होता, तो हम क्या करते, क्या कल हम जाएंगे, तो विल वी गो टुमारो. सिंपल, देखिए बस यही चीज ऐड हो गई. ठीक है, वे क्या खाएंगे, उसमें हमने लिखा था, एक सेंटेंसेस लिया था ना, वे आम खाएंगे, तो उसको ही हमने इंटरोगेटिव, क्या खाएंगे. अब देखिए इधर क्या के लिए हेल्पिंग अब वॉट आएगा, क्योंकि इधर ये क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज हो रहा है. क्या अगर सिर्फ स्टार्टिंग में, क्या वे खाएंगे, देखिए दोनों सेंटेंसेस में बहुत डिफरेंस है. क्या वे खाएंगे, यस यस और नो टाइप सेंटेंस बन जाएंगे. विल दे ईट, और वे क्या खाएंगे, यानी डब्ल्यू एच फैमिली आ गई इसमें. इसमें वॉट यूज होता है, ये क्या दूसरा है, ये यस और नो टाइप सेंटेंसेस वाला नहीं है, क्योंकि इसका आंसर हम यस और नो में दे सकते. वे क्या खाएंगे, यस, इसका मतलब क्या हो गया, हम ये थोड़ी ना पूछ रहे क्या वे खाएंगे. ठीक है, वे क्या खाएंगे, वे मैंगो खाएंगे, एप्पल खाएंगे, फ्रूट्स में खाएंगे, कुछ और खाएंगे. ठीक है, तो व्हाट, इसके बाद विल, इसके बाद सब्जेक्ट, और इसके बाद वर्ब, व्हाट विल दे ईट. और देखिए अगर ये होता क्या वे खाएंगे, अगर ये वाला क्या यहाँ पर आ जाता सपोज, तो इसमें हम व्हाट यूज करते, यस और नो टाइप सेंटेंसेस होता था, हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता, विल दे ईट. ठीक है, समझ आ गया ना आपको दोनों में डिफरेंस. अच्छा, अब इसमें मैं नेगेटिव भी लगा देती हूँ, तो नेगेटिव का एक ही रूल है, इंटरोगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन मैं आपको भी बताऊंगी ना, उसमें सब्जेक्ट के बाद नहीं आता. हु जैसे होता है सबसे बड़ा एक्सेप्शन जो होता है. ठीक है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है वो हु ही बन जाता है. मैं आगे आपको बताऊंगी. अच्छा, हम कल कहाँ जाएंगे, सपोज ऐसे में ले लेती हूँ, हम कल कहाँ नहीं जाएंगे. ठीक है, ऐसे मैंने जनरली बता दिया, वाली पूछते रहिए आपको हिंट के लिए. वेयर विल वी, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिया, नॉट, हम कल कहां नहीं जाएंगे. वी आर राइटिंग हियर नहीं, जस्ट एज अ एग्जांपल, कि आपको नॉट अगर आ जाए तो कहां लगाना है. ठीक है, वे क्या नहीं खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे भाई, व्हाट विल दे, ऐसा मत कर देना. इसमें देखो ठीक भी लगता है, उसमें तो चलो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो ऑड लग रहा था, विल नॉट, What will not, we know completely wrong. Will के बाद direct not मत लगा देना. इसमें पहले ये है, तो will के बाद ही not लगा दो, sentence अच्छा लग रहा है. No, हमेशा subject के बाद ही not लगेगा, कोई भी sentence आप देख लीजिए. तो यहाँ पर हमारे structure of sentences finish होता है, और इसी के साथ ये video भी finish होता है. Next part की भी, next session में इसका second part मैं बताऊंगी, जिसमें exception से मैं start करूंगी. तो students, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, प्रेस कीजिए लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर मोर अपडेट्स. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.